इस कहानी का नाम है स्मैश्ड। ओजी अपने दोस्त सुगियो को एक नेक्टर का पॉट दिखाता है, जिसे वो अपनी जान पर खेलकर जापान के दूर के जंगलों से लाया था। वो ड्रिंक उसे एक आदिवासी कौम ने दी थी, जिसे वो एक पेड़ से निकालते हैं और उसे अपना देवता मानते हैं। वो बताता है कि इसे आप नेक्टर ऑफ द गॉड्स भी कह सकते हो, क्योंकि इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है। सुगियो भी उसे चखता है। उसका स्वाद इतना अच्छा था कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सिर्फ एक दिक्कत है, ओजी बताता है कि इसे चखते वक्त पकड़े मत जाना, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा अंजाम हो सकता है। सुगियो को ये बात कुछ ठीक से समझ नहीं आती है। अगले दिन वो अपने कुछ दोस्तों को उस नेक्टर को चखाने के लिए ओजी के घर लेकर चला आता है। ओजी घर पर नहीं था तो कमीडा घर की खिड़की खोलता है और अंदर घुस जाता है। बाकी के दोस्त भी उसके पीछे पीछे खिड़की से ही घर में घुस जाते हैं। सुगियो अपने दोस्तों को उस नेक्टर को थोड़ा ही चखने के लिए कहता है, ताकि बाद में ओजी नाराज़ ना हो जाए। वो सारे दोस्त एक एक करके नेक्टर को चखते हैं। उन्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि घर में बहुत ही खराब महक आ रही थी। वो बगल वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि दीवार पर बहुत सारा खून लगा था, जैसे कोई एक्सप्लोजन हुआ हो। कमीडा अपने दोस्तों को समझाता है कि उन्हें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। निकलते वक्त सुगियो की नज़र ओजी की डेस्क पर पड़ती है, जहां पर उस नेक्टर विलेज का नक्शा रखा हुआ था। इसके बाद उन दोस्तों की सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। उन्हें उस नेक्टर की लत लग गई थी। वो उस नेक्टर को बहुत सारी बॉटल्स में भर भर के पीने लगे, और फिर तभी एक बड़े धमाके के साथ उनका दोस्त यासुमेन फट जाता है। ये देखकर वो सारे दोस्त घबरा जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब घर पर इकट्ठे होकर इस बात पर झगड़ा करने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। मौके का फ़ायदा उठाकर रोरू को थोड़ा सा नेक्टर चख लेती है, लेकिन वो भी अचानक से फट जाती है। डरते हुए सुगियो कहता है कि ये सब ज़रूर इस नेक्टर की वजह से हो रहा है, लेकिन वो नेक्टर तो सब ने चखा था, तो उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसे याद आती है वो बात जो उसके दोस्त ने कही थी, कि इसे पीते वक्त पकड़े मत जाना। कई दिन बीत जाते हैं और उन दोस्तों की हालत ख़राब होने लगती है। उन्हें अब खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ बेस्वाद और बेकार लगती है। उनका टेस्ट अब इतना ख़राब हो चुका था कि उन्हें सिर्फ वो नेक्टर ही अच्छा लगता था। कमीडा बताता है कि वो इस रहस्य से पर्दाफाश करने में लगा हुआ था कि बिना पकड़े जाए उस नेक्टर को कैसे पिया जा सके। उसने अपने कई दूसरे दोस्तों को वो नेक्टर चखाया था, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। यू की भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी, और वो थोड़ा सा नेक्टर निकाल कर चख लेती है। इस बार उसे कुछ नहीं होता। सुगियो को भी अब और कंट्रोल नहीं होता, और वो बोतल से ही नेक्टर पीने लगता है और वो मारा जाता है। यू अपना मानसिक संतुलन खो देती है। वो कहती है कि आखिरकार मैंने उस मॉन्स्टर को देख लिया जो हमें मार रहा है। ऐसा बोलकर वो भागते हुए नदी में चली जाती है और वहाँ जाकर नेक्टर को चखती है। अफसोस की बात है कि वो पकड़ी जाती है। कमीडा के सामने ये सब होता है। अचानक से उसकी नज़र सुगियो के वॉलेट पर पड़ती है, जिसमें उसे वो मैप मिलता है। वो उस नेक्टर विलेज को ढूंढने का फैसला लेता है और जंगलों में चला जाता है, जहाँ पर उसे वो नेक्टर गॉड ट्री मिलता है, जिसमें से बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकल्स निकले थे। वो उस नेक्टर की लत से इतना पागल हो चुका था कि वो सीधे चाकू ले जाकर उस पेड़ पर भोंक देता है, और अंत में अपने दोस्तों की तरह वो भी मारा जाता है। वो पेड़ बड़ा ही मिस्टीरियस है। उसके टेंटिकल्स कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, और अगर उसने तुम्हें नेक्टर को चखते हुए पकड़ा तो वहीं पर तुम्हारा अंत कर देते हैं। क्या तुम इस ड्रिंक को चखना चाहोगे?